हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सुहाना की रसोई हिंदी में। आज की रेसिपी है शाही खीर की रेसिपी, वो भी आज इसे हम बनाने वाले अमूल मिठाई मिर्च से। अमूल मिठाई मिर्च से ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप इस खीर को एक बार बनाएंगे तो इसी खीर को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इसे किसी भी त्यौहार में या कभी भी बनाकर खाएं, सबको ये खीर बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है और बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है इसे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अमूल मिठाई मिर्च का 200 ग्राम का कैन लिया हुआ है। इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी है जो मीठा और गाढ़ा दूध होता है। इसका प्राइस 56 रुपीज है। आप अमूल के ये 200 ग्राम मिठाई मिर्च से 1 लीटर की खीर बहुत ही आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। ये 10 से 12 काजू है, 15 से 16 ये पिस्ते हैं, छिलका उतरे हुए ये 10 से 12 बादाम है। इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर इस तरह तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर भीगे हुए चावल है जिसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। ये बासमती राइस है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। इसका पानी निकाल कर इसे दरदरा पीस लेंगे। खीर को यहाँ मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। ये 1 लीटर दूध है, दूध को इस कढ़ाई में डाल देते हैं। दूध को डालकर यहाँ पर चलाएंगे, मीडियम फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने तक इसे पका लेते हैं। जब तक यहाँ पर दूध बॉयल होता है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे चावल जिसे इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इस तरह से सारे चावल हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट का पेस्ट जो हमने पीस कर तैयार किया था। इसके साथ ही इसमें डाल दें, इससे जो शाही खीर का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये चिरौंजी है, इसको भी यहाँ पर डाल के चला देते हैं। खीर को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं क्योंकि मीडियम फ्लेम पर बनी खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। 10 मिनट यहाँ पर हम चावल को पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए दूध भी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इस खीर को यहाँ पर चला देते हैं। ये खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। अब इसमें डालेंगे अमूल मिठाई मिर्च का ये मीठा दूध है। खीर को अच्छा सा कलर और अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर। अगर आपके पास केसर नहीं तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आधा कप मावा है, मावा भी इसमें डालकर अच्छे से मिला देते हैं। आपको इस खीर में शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अमूल मिठाई मिर्च में भी शक्कर होती है और जो हमने मावा डाला है वो भी मीठा होता है। तो यहाँ पर हम इसे 10 मिनट पका लेते हैं। ये देखिए खीर को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद आप देखेंगे इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये खीर बनकर यहाँ तैयार हो रही है। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ ये काजू और बादाम है। यहाँ पर हम शाही खीर बना रहे हैं तो हमें ड्राई फ्रूट भी अच्छे से डालना है, इससे जो टेस्ट है वो खीर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर इसे चला देते हैं। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से खीर बनाएंगे तो सभी को आपकी ये खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब यहाँ पर हम डालेंगे इलायची पाउडर। खीर में इलायची पाउडर डालने से टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। और यहाँ पर इस खीर को हम चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट यहाँ पका लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट हो चुके, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस खीर बहुत ही कम टाइम पर बनकर तैयार हो चुकी है। गैस के फ्लेम को बंद करके इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और आधा घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे के बाद ठंडी टेस्टी शाही खीर बनकर तैयार है खाने के लिए, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये शाही खीर की रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।